चैनल द पाक जो से आपका दोस्त करीम नासर आज लेके आपके लिए लेके आया फिर जबरदस्त जॉब में से एक जॉब बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में जॉब्स आ चुकी हैं। पूरे ऑल ओवर द पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। 153 सीट्स हैं बहावलपुर में, ये जॉब्स होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की, ये जॉब्स है, एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। पंजाब रीजन से ऑल ओवर द पंजाब आप इस पर इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो मांगी गई है वो कम से कम मैट्रिक और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट मांगा गई है। इसी तरह इसमें जो ऑफर सैलरी है वो आपको कम से कम 2500 ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 तक दी जाएगी। इसमें जो एज है वो कम से कम आपकी एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। इसी तरह मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल टेक्निकल मेडिकल मांगा गया है। डेजिग्नेशन है इसमें टेक्निक्स की है, जूनियर क्लर्क की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, रिसेप्शनिस्ट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, स्टोर कीपर की है। आज की डेट में ये पोस्टिंग हुई है और इसकी जो डेट की आखिरी डेट है इसकी वो है जी 25 जनवरी 2023। वैसे बाय मिस्टेक वहाँ जॉब्स लास्ट डेट यहाँ वेबसाइट्स पे जो है बाय मिस्टेक जॉब्स एक्सपायर है, लेकिन ये एक्चुअली जॉब एक्सपायर नहीं हुई। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको क्लियरली नीचे मेंशन करवा दूँगा एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी। इसमें जो वैकेंट पोजीशन है वो जूनियर टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जूनियर टेक्निक्स हैं मेडिकल हेल्थ केयर के रिलेटेड, ये सारी टेक्निक्स हैं। आप इन पे पढ़ लीजिएगा, आप अपने शोबे के मुताबिक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दीगर जो जॉब्स हैं उनमें से ये टेक्निक्स की सारी ज़्यादातर टेक्निक्स की जॉब्स हैं मेडिकल हेल्थ केयर में। बाकी इसमें जूनियर क्लर्क की बहुत सारी सीट्स हैं, टेलीफोन ऑपरेटर की बहुत सारी सीट्स हैं, रिसेप्शनिस्ट की बहुत सारी सीट्स हैं, लाइनमैन की बहुत सारी सीट्स हैं और स्टोर कीपर की बहुत सारी सीट्स हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन का फिल करने का सिंपल यह तरीका है कि आपको इंटरनेट से बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल की आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो आपने फिल करके विद अपनी टेस्टेड कॉपी फॉर ऑल द एजुकेशन एक्सपीरियंस लेटर, CNI, डोमिसाइल अपना, आईडी कार्ड, अपने करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपने इनके एड्रेस पे फॉलोइंग एड्रेस पे पहुँचाने हैं। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी है, ये देखिए 28 जनवरी 2023 है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट में किसी इदारे में काम कर रहा है तो वो प्रॉपर थ्रू चैनल के जरिए अप्लाई करेगा। इंटरव्यू का शेड्यूल ऑलरेडी इनकी एडवर्टाइजमेंट में मैंशन है, वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। कोई आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा, कोई आपको आने जाने का, कोई आपको ट्रैवलिंग लॉन्स, डिनर वगैरह कोई भी लॉन्स नहीं दिया जाएगा। जब भी आपको रीजनल डॉक्यूमेंट रीजनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब भी आपसे रीजनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए जाएंगे, उसके अलावा आपसे नहीं मांगे जाएंगे। कोई भी इनकम्प्लीट या लेट आने वाली एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। इसी तरह इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2023 है। जो इनका ऑफिस का एड्रेस है वो ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट BVH बहावलपुर हॉस्पिटल बहावलपुर, यहाँ पे आप इस एड्रेस पे आप अपनी एप्लीकेशन पोस्ट के जरिए भी पहुँचवा सकते हैं। अगर आप अदर सिटी से हैं, अगर आप बहावलपुर के रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट इनके जाके इनके ऑफिस में भी सबमिट करवा सकते हैं। बाकी दीगर जॉबों में से हमारे पास आज की दूसरी जॉब है सर आगा खान हॉस्पिटल लाहौर की जॉब्स है। हमारे पास सर आगा खान रैम हॉस्पिटल लाहौर जॉब 2023 है, जिसमें उन्होंने 52 वैकेंसियाँ निकाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब्स हैं, लाहौर में ये पोस्टिंग होगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेश ग्रेजुएट्स से जॉब्स हैं। पंजाब भर से आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एजुकेशन मैट्रिक्स ऐसे इंटरमीडिएट मांगी गई है। सर आगा खान हॉस्पिटल जॉब्स 2023 लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। ऑफर सैलरी आपको कम से कम 25 से ज़्यादा ज़्यादा 35,000 दी जाएगी। इसी तरह इसमें जो एज है वो कम से कम 18 से ज़्यादा ज़्यादा 25 होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल मांगा गया है इसमें टेक्निकल और हार्डवर्किंग का, डेजिग्नेशन इसमें टेक्निक्स की। इसी तरह ये आज की डेट की पोस्टिंग है 11 जनवरी 2023 की, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 28 जनवरी 2023 है। इसमें जो पोजीशन है वो टेक्निक्स, जूनियर क्लर्क, जूनियर ऑपरेटर्स, असिस्टेंट लाइनमैन और क्या कहते हैं सीनियर मशीन्स, वर्क टेक्निक्स, टाइपिस्ट, सारी जॉब्स हैं। आप इसको कंप्लीट यहाँ से इनकी आके एडवर्टाइजमेंट से रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी जो कैंडिडेट कोई भी अगर बंदा है वो अप्लाई करना चाहता है इन सब सीट्स पे, आप देख सकते हैं कौन कौन सी सीट्स हैं। ये जूनियर टेक्निक की ये सारे सीट्स हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये जूनियर टेक्निक्स हैं, रेपोडोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेपोडोलॉजी, ECG टेक्निक्स, ऑपरेशन थिएटर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्निक्स, एड्रेस डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, टेक्निक्स, सेंट्राइजर ऑपरेटर, वर्कशॉप टेक्निक, ये सारी जॉब्स हैं। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है तो वो सिंपली इनकी एप्लीकेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, सर आगा खान का एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने फिल करना है विद अपने ऑल द डॉक्यूमेंट एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, डोमिसाइल, 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपने इनके फॉलोइंग एड्रेस पे सबमिट करवाने या पोस्ट करवाने हैं। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2023 है।
ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अलबत्ता आपको कोई इनकी तरफ से कोई खर्चा आपके आने जाने की कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ जॉब्स स्टेट लेवल अगर कोई भी बंदा इन सब जॉब्स के लिए रब्ता करे। ये जी इनका एड्रेस है जी, सर आगा खान रैम हॉस्पिटल क्वींस रोड लाहौर है। यहाँ पर आप अपनी अगर कोई बंदा लाहौर से है तो डायरेक्ट भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है इनके ऑफिस में जाके। अगर कोई बंदा अदर सिटी से है तो वो पोस्ट के जरिए किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए भी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करवा सकता है। आज के हमारे पास तीसरी जॉब्स है DHQ हॉस्पिटल DG खान जॉब्स हैं। इसमें भी 63 वैकेंसी हैं DG खान की। ये सारी जॉब्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की, ये जॉब्स हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेश ग्रेजुएट्स ये जॉब्स हैं। ऑल ओवर द पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो मांगी गई वो इंटरमीडिया मैट्रिक्स और मिडिल मांगी गई है। DHQ हॉस्पिटल DG खान जॉब 2023 ऑफर सैलरी इसमें कम से कम 25,000 से ज़्यादा 45,000 आपको स्टार्ट में सैलरी दी जाएगी। जो आपसे एज रिक्वायर्ड की गई है वो कम से कम 18 ज़्यादा 25 रिक्वायर्ड की गई है। इसी तरह मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल इसमें भी शॉर्ट हैंड और टेक्निक्स का मांगा गया है। डेजिग्नेशन इसमें स्टेनोग्राफर्स लैब इंजीनियर सुपरवाइजर टेक्निक्स रिसेप्शनिस्ट और ड्राइवर है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की वो 10 जनवरी 2023 है। सॉरी लास्ट डेट मतलब लास्ट अपडेट जो हुई है आज की डेट में ये अनाउंस की गई है और जो लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी 2023 है। अच्छा जी इसमें क्या कहते हैं और कौन सी जॉब्स हैं वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँ। स्टेनोग्राफर्स की जॉब्स हैं, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सब इंजीनियर सिविल, CSSD सुपरवाइज़र, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर टेक्निक्स टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ड्रेस एंड जूनियर टेक्निक्स लेबोरेटरी टेक्निक्स है असिस्टेंट। इसी तरह डिस्पेंसर है जूनियर टेक्निक्स में, जूनियर टेक्निक मेडिकल एथोलॉजी है और जूनियर टेक्निक्स एड्रेस है, जूनियर टेक्निक्स CMH टेक्नोलॉजी है, जूनियर टेक्निक्स सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, रिसेप्शनिस्ट और ड्राइवर ये सब की सब इन सब सीट्स पे जॉब्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स हैं सब पे आप मजीद इनकी एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी लाजमी पढ़िएगा, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगी jobalert.pk से। अच्छा जी कौन कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँ। अगर कोई आपको इनका फॉर्म जो सेम वैसे ही आपको इंटरनेट से इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा वो आपने फिल करना है विद इन अपने ऑल द डॉक्यूमेंट वही अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, अपना क्या कहते हैं डोमिसाइल एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास कोई है वो, 2 पासपोर्ट साइज कॉपी फोटो, अपना आईडी कार्ड की कॉपीज और 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज की आपने अपना फोटोग्राफ इनके फॉलोइंग एड्रेस पे जमा करवाने हैं। 25 जनवरी तक आपके पास टाइम है, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कोई भी इनकम्प्लीट या लेट एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। कैंडिडेट ऑलरेडी अगर बंदा कोई वर्किंग कर रहा है गवर्नमेंट या सेविंग अदारे में तो वो एक प्रॉपर थ्रू चैनल के जरिए अप्लाई करेगा। एवरी वैकेंसी कैंडिडेट बाय कोई भी बंदा जिस जॉब के अगर वो डिफरेंट जॉब एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको लहदा उनके लिए एप्लीकेशन देनी होगी। इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी इंटरव्यू जो मेंशन कर दिए गए इनकी एडवर्टाइजमेंट वो भी आप मज़ीद में आपको दिखा दूँगा। कोई भी आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा आने जाने का, ट्रैवलिंग नोट्स ये वगैरह। बाकी इनका जो एड्रेस है मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल DG खान, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर आप DG खान से, अगर आप अदर सिटी से हैं तो आप पोस्ट के जरिए भी सबमिट करवा सकते हैं। डिफरेंट कोरियर सर्विस जो आजकल चल रही हैं डाक के जरिए भी या कोई भी कोरियर सर्विस के साथ। बाकी मज़ीद ऐसी जॉब स्कोप्स के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बावक्त आप तक ऐसी वीडियोज़ तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।